सपा विधायक रामपाल यादव तंबोर में हुई समुदाय में टकराव के बीच दुकानों में तोड़फोड़ के बाद भीड़ को समझाने और दोनों पक्षों में समझौता करवाने पहुंचे थे, पर समझौते के बजाय उल्टा सपा विधायक ने पुलिस की मौजूदगी में दो लोगों को थप्पड़ जड़ दिया। बात करें उत्तर प्रदेश के सीतापुर की, तो समाजवादी पार्टी के विधायक की गुंडाई सामने आई है। सपा विधायक ने पुलिस की मौजूदगी में दो लोगों को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने विधायक को घेर लिया और हंगामा कर मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। भीड़ के गुस्से को देखने के बाद पुलिस ने सपा विधायक रामपाल यादव को सुरक्षा घेरे में ले लिया और गाड़ी में बैठा कर सुरक्षित इलाके से बाहर निकाल दिया। भीड़ में मौजूद सपा विधायक से एक शख्स ने पूछा कि आपको मारना नहीं चाहिए था, तो सपा विधायक ने बताया कि बदतमीजी करेंगे तो मारेंगे नहीं। ऐसे जवाब से लोगों में काफी नाराजगी बनी हुई है। सपा विधायक की इस गलती पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। Audio Jungle.